हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं गौचर, जहाँ की आज फाइनल मुकाबला है पनाई और जेंटा कोटी का। तो दिखाते हैं आपको आज का महामुकाबला, जहाँ की फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपये का है। तो मिलते हैं आपको आगे। तो आप भीड़ देख सकते हैं आज फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको पता लगा होगा कि टीम पनाई ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। घंटा की हमारे बड़े मैदान पे और ये जेंटा कोटी की टीम ये फाइनल मुकाबला अब शुरू होने की कगार पे है। मैं चाहूंगा कि बल्लेबाज का नाम एक बार आप बता दें। भीम मां आज शुरुआत कर रहे हैं, अनाउंस करते हैं भागवेंद्र, शुक्रिया आपका। तो भीम और भागवेंद्र, बड़ा मुकाबला, बड़ी जिम्मेदारी। आज दर्शकों कर लो 1,000 रुपया कमाने की तैयारी। अध्यक्ष हैं राम भट्टागर जी, सभी से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैच, तो चलिए पहला गेंद और क्या शुरुआत हुई है। अगला गेंद, आगे आके बल्ला चलाया, देखिए शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज वहां पे। अगला गेंद यहाँ पे अच्छा खेल यहाँ पे और सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन आया नहीं। धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। आगे बारी की नजर सबके ऊपर से गेंद गया है और चौथे का सहारा है, पहली बाउंड्री यहाँ पे आती हुई। तो अपना पूरा सहयोग दिया है, ये पुल किया है, ये गैप में खेला है, फील्डर गेंद के पीछे है, सिंगल आ जाएगा, डबल भी तलाश रहे हैं लेकिन आएगा नहीं। तो एक एक दो दो रन से गाड़ी आगे बढ़ती हुई जान, अच्छा खेला है। ये गेम पॉइंट की तरफ गया लेकिन कोई रन नहीं। भागवेंद्र भीम कमाल करते हैं, बल्ले से कमाल करते हैं और दर्शक भी देखिए कैच के लिए तैयार हैं। ओहो, ये सही बात है, ये बढ़िया खेले ऑन साइड की तरफ। पहला रन बहुत तेजी से ले रहे हैं, दूसरा रन नहीं आएगा। गौरव कांबोज वहां पे, और सबसे बड़ी बात क्या, उनका आर्म बहुत तेज है, दाएं सबसे बड़ी परेशानी फिर उत्पन्न हो जाती है। चार रन फिलहाल बच, आज एक्चुअली इनामों की झड़ी लग रही है, इसी बीच बाहरी किनारा है और चौका बिल्कुल चार यहाँ पे बाहर किनारा नहीं था जी, हाँ बाहर का यहाँ पे इशारा आता है, झड़ी है। 1,000 रुपया आज भी कैश पे है और 500 रुपया और ऐड हो गए। ये बड़ा शॉट है, ये हवा में गेंद है और ये हाथों में गेंद होनी चाहिए। जी हाँ, पहली विकेट यहाँ पे आती है, भागवेंद्र को वापस आना पड़ेगा और ठीक है, पहली विकेट मिलती हुई टीम जेंटा कोटी को, शुक्रिया। तो राजेश आए हैं बल्लेबाजी करने, फिलहाल अगला गेंद बढ़िया गेंद है, अच्छा खेले, सिंगल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बीच एक अनाउंसमेंट है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अनाउंसमेंट और सारे खिलाड़ियों की दी जाएगी। अगर दो हाथों पकड़ गया तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब मैं इस बात को थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा, ये अच्छा गेंद यहाँ पे पक्के 1,000 रुपया आलोक तो दूसरा झटका लगता हुआ टीम बनाई को, बाहर निकलवा था गेंद, जाल मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं करवा पाया, विकेट यहां पर आ जाएगा। जितने भी लोग दानी दाता है हमारे, जितने भी सहयोग कर रहे हैं, वो लाजवाब है, वो बताता है कि इस गौचर में कितनी एकता है। फिलहाल अगला गेंद, तीसरा झटका लगता हुआ टीम पनाई को, एक और विकेट यहां पर आता हुआ। ठीक है,
तो नए बल्लेबाज आए हैं हम रोहन, तो देखते हैं कैसे संभालते इस पारी को। अच्छा खेले हैं यहाँ पे, और भी छाना पड़ेगा। बढ़िया खेले, सीधा बल्ला, बोला हल्ला, लेकिन डॉट डीन यहाँ पे आ जाएगा। आशीष को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया शॉट है, मैं बार बार कह रहा था ये इस तरह शॉट है। फाइनल का सुल्तान अनुज, ये क्या बॉल है, रीच किया, कट किया है, और क्या शानदार, ये कुछ थप्पड़ सा जड़ा है, और क्या शानदार चौका पड़ा है जी। चलिए फिलहाल अब साइड चेंज कर दो, और क्या जबरदस्त गेम यहाँ पे, और अच्छी रन विकेट मैं वहां पे कहूंगा रोहन और आशीष के द्वारा नजर आ रहे हैं। बढ़िया खेले हैं, अच्छा गेंद, अच्छे तरीके से हैंडल करा है, और सिंगल यहां पे आ जाएगा, लेकिन सिंगल डबल तो चलते रहने चाहिए आपको पता है। बढ़िया बॉल, ये बात धीरे से बात करा करें, तो 37 रनों के स्कोर पे टिक बनाई को लगता है चौथा झटका, तो काफी अच्छी गेंदबाजी नीरज की है। निखिल बल्लेबाजी करने आए हैं, और स्कोर विकेट, रोहन वहां पे आउट हो गए, निखिल आए हैं, और निखिल आते ही सिंगल ले लिया है, इनसे बल्लेबाज की निशाने आते हैं, सिंगल यहां पे ले लेते हैं, और इसी बीच ओवर यहां पे समाप्त हो गया स्कोर। अच्छी बात ये है कि अब बल्लेबाज सिंगल डबल ले सकते हैं, पूरा फील्ड खुल चुका है। बढ़िया गेंद, लटका के झटका के गेंद को डाला है बल्लेबाज को, बोला है भटकाऊंगा ध्यान तेरा, ये गए। और दर्शकों को अभी तक मौका मिला नहीं है वैसे 1500 रुपए कमाने का, 1000 रुपए तो अलग मिश्रा जी की तरफ से ऑलरेडी। और तो चलिए ये अगला गेंद, अरे 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 अरे, अभी वहां पे लेकिन पवन जी ने कहा है कि रुको जरा सबर करो। संदीप का ये 500 1500 का लगे गेंद पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, रे रे रे, ये छक्का तो लगा है लेकिन धक्का दर्शक को लगा है जिसने कैच छोड़ा है। क्या कह सकते हैं, 1500 की लड़ाई है, रन भी आता बहुत अच्छा छक्का वहां पे। अच्छा खेले हैं कमर की तरफ, पहला रन तेजी से ले रहे हैं गौरव कांबोज, वहां मौजूद है, फंबल होगा तो दूसरा आएगा, लेकिन आ गया है दूसरा रन आ गया है। ये तो मौका मैं क्या बना, नीरज ने बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पे। फिलहाल अगला नहीं, अच्छा खेले हैं, बढ़िया खेले हैं, पंच किया है, सिंगल आएगा, डबल की गुंजाइशों को अब तलाश लेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 50 इसी के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं टीम बनाए के, तो 50 रन पूरे हो चुके हैं टीम बनाए के 4 विकेट के नुकसान में। ये बढ़िया शॉट है, ये कहाँ गया है, ये फिर से छूट गया, 6 रन, 6 रन बनाना होगा। अच्छा शॉट है, इस बार भी सिंगल यहाँ पे आ जाएगा, अब जाके ना थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे पारी में, ऐसा लग रहा है कि अब जाके थोड़ा पारी बिल्ड होना शुरू हुआ है। और अच्छा गेंद यहाँ पे रोका, वहां पे बल्लेबाज निखिल ने, नामों की बहुत बौछार है, फाइनल की बहार है, इसी बीच बढ़िया शॉट के लिए मौका है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूर है, और यहाँ पे आता हुआ मुकाबला सुपर हिट है, क्योंकि अगला गेंद आएगा, बाउंड्री, छक्का, चौका या फिर अच्छी गेंद, तो फ्री हिट बॉल है ये, फ्री हिट, छक्का, 1500, ये देखिए मिला था फ्री हिट का कार्ड,
लेकिन वहां पे फील्डर है बहुत हार्ड, तो सिंगल ही आएगा। हम करते हैं, इंसान की खासियत होती है सब कुछ जाती है, यादें नहीं जाती है, लेकिन गेंद उसके कैच में गई है। चार रन, क्या बात है, हल्की सी मिसफील्ड और ये चार रन, चार की पुकार नहीं आएगा क्या? हमारे दर्शक इतने प्यारे दर्शक आप लोग, इसी चीज देखिए सिंगल यहाँ पर आ जाएगा। और एक और मिसफील्ड दीपक धारी की और ये चार रन, तो लगातार दूसरा चौका। क्या बॉल है, क्या जबरदस्त तरीके से गेंद को किया है, आप ही देखिए अपना सर पकड़ लिया उन्होंने, क्या ये गेंद पैड को लेती चली होती है। जहां फील्डर नहीं था वहां गेंद को मारा है और एक और चौका बंद के लिए आए हैं गौरव। छोटा गेंद अच्छा खेले वहां पे और सिंगल गौरव कंबोल से दोस्त भी हैं, वो अब जाके इंडिया के लिए प्लेयर आए हैं क्योंकि बाएं हाथ से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कराते हैं, इसलिए सिंगल यहां पे आ जाएगा। शॉट खेला है, बढ़िया खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, सुपर कवर के आगे पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ फील्डर तैनात है। फिर से स्लोअर वहां पे गेंद को डाला है, सिंगल यहां पे आ जाएगा। आफ्टर 10,000 रुपए की नगद राशि, जी हाँ, धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आनंद जी का, जिन्होंने इस प्रकार का सहयोग हमारे वेरिएशन ऑफ बॉल है वो बड़ा अच्छा कमांडिंग सिचुएशन में आ जाता है। इसी बीच हमारे है और ये बाउंड्री के बाहर है, बाउंड्री के बाहर क्या है, और ये एक और छक्का। और कृष्णा रावत जी हमारे सभी अतिथि और विशेष अतिथि कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल शुक्रिया। हमारे तीन छक्के मार चुके हैं, 300 रुपए ऑलरेडी अपने झोली में डाल चुके और ये बढ़िया गेंद, अच्छा खेले, पढ़ने के बाद में अच्छा उठा और उस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया, ऑन साइड की तरफ सिंगल आ जाएगा। गेंदबाजी पर आए हैं आवेद, सामना करेंगे निखिल, पहली बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप ये बात एक रन चुराया टीम बनाए तीन फ्रेंड्स आपकी दुकान और एक अच्छा शोरूम आपका, इसी बीच बढ़िया शॉट यहाँ पे और सिंगल यहाँ पे आ जाएगा। अगला गेंद आप हवा में है, बहुत ही लंबा शॉट और फिर से चुका, 1500 कमाने का मौका फिर से चुका है यहाँ पर। और हमारे और ये शॉट बॉल धारी मौजूद, काफी अच्छा। मैम आपका एक बार फिर से इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, आप हमारे बीच आ रहे हैं और आपने यहाँ आके हमें कृतार्थ, आप हमारे बीच आ रहे हैं। फिलहाल मुकाबले में बहुत तेज गति का गेम है और ये नो बॉल, नो बॉल और मिस फील्ड वहाँ पर, और गेंद भी छूटा है, दिल भी टूटा है और ये दो रन यहाँ पे आ जाएंगे और दो रन भी आसानी से स्कोर कर लेंगे। कॉल है बढ़िया, ये फील्ड का कार्ड हवा में, गेंद हाथों में नहीं है लेकिन सिंगल यहाँ पे आ जाएगा। दर्शकों तुम्हारे जो अगली तरफ आते हैं, संदीप सामने है, निखिल 13 ओवर पहला गेंद, अब बढ़िया खिलाड़ियों को मोड़ा है और टीम के खाते में एक और रन जोड़ा है। तो 52 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं आशीष और ये हल्की सी शॉर्ट बॉल थी और फील्डर मौजूद वहां पे, मात्र एक रन। वो कह रहे यार कितने ओवर हो गए, कैच दे दो प्लीज, कैच दे दो प्लीज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दर्शक कह रहे हैं, क्योंकि एक कैच पे आलोक मिश्रा जी ने कहा 1000 मैं दूंगा और 5 होता है और इसी के लिए नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बहुत जोर से मारने का प्रयास किया था लेकिन बल्लेबाज आशीष ने और जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, पहली पारी है और ये हवा में है गेंद और एक हाथ से लिया, काफी अच्छा कैच और ये पांचवा झटका लगता हुआ, बहुत ही अच्छी साझेदारी चल रही थी लेकिन अपना विकेट खोया यहाँ पर। तो बल्लेबाजी में आए गौरव और सामने गेंदबाज गौरव, गौरव कांबोज अच्छा खेले वहां पे बल्लेबाज, बल्लेबाज भी गौरव है और आपको बता दूं इसी बीच अच्छा शॉट यहाँ पे, आपको बता दूं अर्शदीप सिंह की आईडी कितनी है लगभग
मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और इसी प्रकार के उनके आगे और ये अपनी विकेट खोते हुए यहाँ पर पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारी है और आशीष पनाई को लगता हुआ छक्का छक्का मारी है। तो आशीष आउट हो चुके हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तो। बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रशांत, ओवर आने थे आउट है। एक पल के लिए जब शुरू में लग रहा था कि यार स्कोर 140 के नीचे रुकेगा, तो फिर उसके बाद एक बहुत शानदार है और ये बाहरी किनारा और चार फिर से बनाया जाए, चार तो बहुत अच्छा चौका। नो 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 और ये एक और नो बॉल, ये नो बॉल है और मैच हो गया। ये इस बार भी नो बॉल डॉट बॉल, अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, गैप में लगी सीपर कवर वहां मौजूद है, सिंगल यहां पर आ जाएगा। तो 16 ओवर लेकर आए हैं संदीप, उसके लिए मात्र 5 ओवर बचे हैं। और काफी ऊंची होती है हवा में गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद और दो फील्डरों के बीच में गिर गई गेंद और ये कैच ड्रॉप। पहले आप दूसरे में फिलहाल अगला है, अब अगला शॉट है, ये हाथों में होना चाहिए, जी हाँ, और एक और विकेट। तो सातवां झटका लगता हुआ टीम बनाई को, काफी अच्छा कैच लिया वहां पर। तो नए बल्लेबाज अब आए हैं, सो बल्लेबाजी करने आए हैं पढ़ने के बाद थोड़ा नीचे रहा सिंगल यहां पे आ जाएगा और अब जिम्मेदार है शोएब, छह बाहर नहीं और एक और छक्का तो ऐसा दिखा नहीं पाए यहां पर, माफी चाहिए। आपको अगली गेंद गौरव के लिए और अच्छा शॉट राजी चौहान जी की तरफ से, क्या बात है, हर छक्के की तरफ से यहाँ है और देखिए खिलाड़ी को सिर्फ आगे अच्छा खेल है, लेकिन ये सीधा कवर के हाथों में खेले हैं और सिंगल भी आएगा मुंबई के लिए कप्तानी कर चुके हैं। ये हल्ला इस समय हो रहा था लेकिन सिंगल आ जाएगा के मुकाबले बहुत जोर से मारने के बता दे रहे थे कि कवर की तरफ मारना चाहते थे, लेकिन सिंगल ही यहां पर आएगा। फिर से अच्छा गेंद, तेज गति से किया हुआ गेंद, मैंने कहा ना आप एक सिर्फ शक्ल के ही ऑफ स्पिनर हैं, गेंद रेगुलरली वो की मैचिंग को कहते हैं, ये स्लोअर रन है और इसे सिंगल लिया है वहां पर शोएब ने। बताओ का अरे 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 एक और छक्का, और छक्का दर्शकों को कहा भैया में प्लान नहीं मिल पाया है, जबरदस्त कार्यकर्ता अभी भी गेंद की खोज में है। हाँ ये अच्छा शॉट है, ये बढ़िया शॉट है, ये गैप में शॉट है, ये सिंगल आएगा, जी नहीं अच्छी फील्डिंग वहां पे, जरा बनाए वालों अच्छा किया जा रहा है, लेकिन दर्शक यार आप लोग शायद 1500 का गम है आपको, अच्छा कट किया है सीधा फील्डर के पास, शॉर्ट टर्मिनल का फील्डर वहां पे मौजूद था, सिंगल यहां पे आ जाएगा, बाज अनुत साबित हुए हैं, बॉल और फील्डर मौजूद और ये आसान सा कैच ले लिया वहां पर गौरव। शुक्रिया विनीत बल्लेबाजी करने आए हैं और जैसे महावीर भाई हमारे सब फिलहाल अगला गए अनुज बहुत बढ़िया तरीके से थर्ड मैन की तरफ खेला है बल्लेबाज विनीत ने, पता है कि रोहन अभी एक ऐसे खिलाड़ी है जो सेट भी है
अब अगर ये शॉर्टकट करना चाहते थे और सिंगल पीछे बैकअप नहीं है, वही कह रहे थे चरेंद्र स्थान काकू वहां पे और पवन चौकिया जी गैप को बेटा है और ये चार दूर अलग है, दस दूर अलग है। अच्छा गेम मैंने कहा था गौरव अगला बहुत अच्छा शॉट किया है और ये सीधा सीधा हाथों में और एक और विकेट बहुत बढ़िया खेले वहां पर बल्लेबाज गौरव दानिश बल्लेबाज करने आए और अंतिम बल्लेबाज है। 9 विकेटों का पतन हो चुका है आशीष हमारे जी हाँ 9 विकेटों का पतन हो चुका है। हमारे सूरज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। दानिश ने खेला है और स्ट्राइक दिया है वहां पे बल्लेबाज विनीत को। जी हाँ निखिल और गौरव का जिन्होंने इस प्रकार की साझेदारी बनाई और ये सिंगल आ जाएगा दो भी आ जाएंगे क्या बात है दो रन यहां पे आ जाएंगे और अब यहां पे अंपायर पवन जी का मानना कि टीम यहां पे आ जाएगी यानी दो रन आ गए थे तीसरा रन आ जाते थे 154 बन गए 155 रनों का लक्ष्य यहां पे मिला है टीम जेडा गोटी को दोस्तों रिपीट 155 रनों का लक्ष्य मिला जतिन प्रधान। तो ये पहली गेंद और पहला चौका जतिन प्रधान का तो पिछले मैच में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी मैन ऑफ द मैच थे पिछले मैच में और आज पहली गेंद में चौका तो ओपन करने आए हैं जतिन प्रधान और अनुज और दूसरी शॉट लेकिन फील्डर मौजूद तो एक रन आसानी से मिल जाएगा। अरे 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 आते और पहला चौका अनुज के बल्ले से तीसरी गेंद पर दूसरा चौका अगला गेंद अरे नहीं काफी ऊंची शॉट और ये कैच ड्रॉप 1500 रुपए कमाने का मौका चुका है यहाँ पर तो पहला छक्का इस पारी का तो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी 15 रन 4 गेंदों में और ये पैरों पे गेंद और फिर से छक्का काफी लंबा छक्का छत में मार दिया गेंद और भी मारे गेंदबाजी कर रहे हैं ये भैया वाइड बल्लेबाज की बड़ी और ये फिर से शॉर्ट बॉल और ये 1500 रुपए कमाने का मौका और बहुत ही लंबा छक्का तो 1500 रुपए हो चुका है और एक और चौका यहाँ पर जतिन प्रधान के बल्ले से काफी जबरदस्त बल्लेबाजी और ये काफी लंबा छक्का और कैच ले लिया है तो 1500 रुपए कमा लिए हैं एक दर्शक ने और एक और इस बार बाइक फोर तो हल्की सी मिसफील्ड की कीपर ने और ये चार एक और शॉर्ट बॉल और फील्डर से दूर और एक और चौका काफी जबरदस्त बल्लेबाजी तो ये लग संभवतः अंतिम गेंद काफी अच्छी गेंद लेकिन ये तीसरा ओवर और ये वाइड बॉल और एक और वाइड इस वाइड के साथ टीम का स्कोर 48 है। ये अलग रेंज का क्रिकेट चलता हुआ और इस बार तब नहीं पॉइंट ज्यादा है और ये काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया रोका है तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए और ये काफी अच्छा शॉट लेग साइड में और ये चार रन काफी अच्छी बैटिंग करते हैं कर रहे हैं जितिन प्रधान
और ये अगली गेंद और ये ऊंची होती है हवा में लेकिन काफी दूर और चार रन। एक और चौका जतिन प्रधान के बल्ले से, काफी अच्छी बल्लेबाजी से। तो ये अगली गेंद और ये वाइड वाइड बॉल हो गई एक और। और ये अच्छा सम्मान इस बार डॉट बॉल हो जाएगी। अब नए गेंदबाज आए हैं विनीत, दोनों बल्लेबाजों द्वारा सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद। और ये काफी ऊंची उठाई है गेंद हवा में, फील्डर की पहुंच से दूर और चार रन। तो ये अगली गेंद विनीत की और इस बार भी ऊंची उठाई है लेकिन फील्डर मौजूद उसके नीचे। और ये कैच ड्रॉप, तो ये जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर अनुज को और एक रन भी पूरा कर लिया। ये आगे बढ़ना पड़ता है और ना। और इस बार सम्मान जा रहे हैं, इस बार भी देखिए कितना जोर से बैट घुमा रहे हैं ना। और इस बार भी फिर से हवा में गेंद और वहां पे ये क्या हो गया, दर्शक अंदर आ गए बॉल को पकड़ने के लिए। काफी तेज गेंदबाजी और बाउंड्री की ओर गेंद और चार रन। जो भी इच्छुक हैं, जो भी कुछ बोलने की इच्छुक हैं आप मुझे जरूर बता दें। इसलिए बहुत जोर से बल्ला चला है और गेंद बल्ले पर नहीं आया और जतिन और अनुज ने अभी तक खूटा गाना हुआ है। और ये लेग साइड में एक और चौका अनुज के बल्ले से। इनामों की घोषणा भी वही तो हो रही है, कोई तो सवाल है और शॉट लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे और एक और मौका कैच ड्रॉप। तो ये अगली गेंद और अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद, मात्र एक रन मिलेगा इसमें। तो ये अगला ओवर और पहली गेंद काफी दूर फेंकी है वहां पे चार रन और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 81 रन अभी भी। तो ये अगली गेंद और एक और ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का और ये चार रन। तो ये अगली गेंद और इस बार थोड़ा भाग्य का सहारा और एक रन आसानी। एक और अच्छा शॉट और ये फिर से गैप में चार रनों के लिए गेंद, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अनुज और जतिन प्रधान। तो पिछले मैच में भी 100 रनों की पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में और आज भी लगता है कि 100 रनों की पार्टनरशिप आसानी से पूरी कर लेंगे। और इस बार भी मारने का प्रयास था लेकिन हल्की सी अपील और नकारा अंपायर। पैडल स्वीप करना चाहते थे लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं और एक रन पूरा। और ये एक और मौका चुका है यहाँ पर, एक और कैच ड्रॉप, काफी खराब फील्डिंग इस बार। और मैं और एक और हवाई फायर और काफी लंबा छक्का इस बार जतिन प्रधान के बल्ले से। काफी अच्छी गेंद और एक और ओवर की समाप्ति यहां से। फैलाया इसे चार रनों के लिए, काफी अच्छी बल्लेबाजी जतिन प्रधान इस चौके की मदद से जा पहुंचे 62 रनों के टीम का स्कोर जा पहुंचा 102 रन।
बिना किसी नुकसान के एक और बार स्वर्णों की साझेदारी कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। काफी ऊंची रुकी है हवा में, फील्डर मौजूद वहां पे और पहला विकेट 102 रनों पर पहला विकेट लिया हुआ। तो जतिन प्रधान 62 रन बनाकर अपनी टीम के लिए नए बल्लेबाज आए काफी। और साथ ही साथ मैं संपूर्ण गोतर की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, उनकी मम्मी से मैं गोतर में चाचू मैं ड्रेस लो आई कर उसी टाइम फिलहाल ये गेम पढ़ने का बाहर निकला है यहां पे आप मजा आ रहा है ये पटा फील्डिंग यार परेशान करेगा। अच्छा गेंद पढ़ने की बात करो और 500 रुपए नवीन जी का था तो 2500 रुपए एक कैच आप पकड़ते हैं तो 2500 रुपए की शॉट यार काफी लंबा शॉट और काफी अच्छा कैच तो ये दूसरी विकेट मिलती हुई। अनुज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक तो ये दूसरा छक्का लगता हुआ टीम जंटा कोटी को 107 रनों के स्कोर पे। तो नए बल्लेबाज आए क्या होगा क्या नहीं होगा अगला गेंद प्रशांत बहुत अच्छा गेंद एक्चुअल में अब ये मुकाबले में असली मजा ये थोड़ा सा छोटा है गैप में छोटा है बाउंड्री की तरफ जा रहा है गेंद और बाउंड्री के बाहर चला जाता है। चार रन के लिए गेंद बेहतरीन शॉट यहां पर फिर से चार रन यहां पर प्राप्त होते हैं काफी अच्छा शॉट काफी दिन बल्ले से पहला चौका इसी बीच यहां पर आता हुआ और चलिए और काफी अच्छे अच्छा खेल वहां पे और सिंगल यहां पे आ जाएगा एक एक दो दो रन से गाड़ी आगे चलती है। बढ़िया सिंगल लेना चाहते हैं इस बार में फील्डिंग अच्छी वापसी इस बार गेंदबाज की सिंगल ये गेंद बहुत अच्छा गेंद है बहुत अच्छा खेल है और थ्रो टाइम पे फिलहाल ये अच्छा खेल है और आगे था फील्डर और चार राजेश आए हैं कट किया है और फील्डर मौजूद है और सिंगल आ गया 125 रन यहाँ पे हो जाएंगे 125 रन की आवश्यकता है कट किया है सिंगल सिंगल रोकना पड़ेगा अगर एक दो रन जाते रहे तो फिर ये मुकाबला और अगला भैया तीसरे नंबर पर क्यों जाते तो अब बॉल साइड की तरफ कोई भी नहीं जा रहा सिंगल आ गया ये होता है उसका धन्यवाद देना चाहूंगा ये भी लगी है बाहर का मारने की बाहर जा रही है दर्शकों का स्वागत तो ये अगली गेंद काकू के लिए और सभी भाई लोगों का मैं नमस्कार करता हूं इस चार क्रिकेट एसोसिएशन मात्र एक रन की ओर से और मेरा पढ़ाई बीच में गाने डालो फिर लंबा छक्का है फिर से 2500 रुपए कमाने का तो ये अगली गेंद फील्ड मौजूद है
तो 13 ओवर के बाद टीम जंटा को टीका 138 रन 2 विकेट के नुकसान फील्डर की पहुंच से दूर और एक चार और ये अच्छा शॉट फिर से और चार रनों के लिए एक है। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये एक और शॉट काफी अच्छा शॉट और चार रनों के लिए तो इस ओवर में लगता हुआ ये तीसरा चौका आज का मैन ऑफ द मैच जो दिया जाएगा रविंदर रावत रावत बुक डिपो गौचर के साथ जिन्हें दिया जाएगा। अगर सूरज रावत भी यहाँ पे है या रविंदर रावत दोनों में से कोई भी है तो यहाँ पे आ जाए। अनुज जिन्होंने चार ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए 27 रन बनाए 26 गेंदों का सामना किया आज के इस मैच पहले मैच के मैन ऑफ द मैच जी बस मैन ऑफ द सीरीज शेरावत जी बशरपुर के खिलाड़ी हैं और जो कि 148 रन 6 विकेट जरूर लिए हैं इस टूर्नामेंट में। शेरावत बशनपुर के वॉरियर्स के जो भी टीम का अरविंद आ चुके हैं।